कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए हैं। काजी निजामुद्दीन मंगलौर से जीत गए हैं। काजी निजामुद्दीन 449 वोट से जीते हैं। इस सीट पर बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही थी और बहुत ही मामूली अंतर बना हुआ था और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मंगलौर से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हो गई है। काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया है और मंगलौर उपचुनाव जीत लिया है। काजी निजामुद्दीन कुल 449 वोट से जीते हैं। मंगलौर से उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड से यह अहम खबर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। काजी निजामुद्दीन मंगलौर से जीत गए हैं। 449 सीट से जीते हैं काजी निजामुद्दीन। तो उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी अपडेट आपके सामने। कांटे की टक्कर मंगलौर सीट पर चल रही थी और अंतिम दौर की जो काउंटिंग थी उसमें बहुत ही मामूली बढ़त थी, लेकिन अब नतीजा घोषित हो गया है। काजी निजामुद्दीन 449 वोट से जीत गए हैं। पुलकित शुक्ला से अपडेट लेते हैं। पुलकित, आखिरकार कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार ली, अंतर बहुत मामूली है लेकिन जीत गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए इस जीत का अंतर जरूर बहुत मामूली है लेकिन कांग्रेस के लिए जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इस समय जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस यहां पर विपक्ष में है, लेकिन हरिद्वार जिले में जो है कांग्रेस अभी तक बेहतर स्थिति में थी और ये एक और सीट मिल जाने से, जो कि पहले कांग्रेस की सीट थी, 2022 में कांग्रेस मामूली अंतर से हार गई थी और इस सीट को गवा दिया था, तो एक बार उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर से इस सीट को पा लिया है। और एक जो दिलचस्प बात है ये है कि जो काजी जो हारे थे 2022 के चुनाव में, तो इसी लगभग इतने ही वोटों के अंतर से, 450 वोटों से अभी वो जीते हैं, तो इतने ही कम वोटों के अंतर से वो हारे थे और इतने ही वोटों से वो जो है जीते हुए अभी बताए जा रहे हैं। 10 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है और उसके अनुसार 449 वोटों से काजी जीत गए हैं। हालांकि इसमें पोस्टल बैलेट के जो वोट हैं वो इसमें जुड़े हुए नहीं है, उनको जोड़ने के बाद जो ये जीत है उनकी वो 450 से अधिक हो जाएगी, तो कम अंतर से जीते हैं लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो जीत गए हैं और एक ये सीट जो है फिर कांग्रेस की झोली में आ गई है। हरिद्वार जिले की कुल 11 विधानसभाओं में अभी तक 5 कांग्रेस के पास थी और ये 6ठी सीट है। अब कांग्रेस जो है हरिद्वार जिले में बहुमत में आ गई है और ये कारण है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता यहां पर जमा हैं और सब जोर से नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। ना सिर्फ साधारण कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत और अन्य जो नेता हैं और जो वीरेंद्र रावत जो कि लोकसभा के प्रत्याशी रहे थे हरिद्वार लोकसभा सीट से, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ अन्य जो कांग्रेस के हरिद्वार जिले के जो विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और बीजेपी के लिए भी ये एक जो है हार एक बड़ी हार है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार इस सीट को जीतने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, बाहर से एक कैंडिडेट को लेकर लाई थी भाजपा संगठन और यहां पर उनको चुनाव लड़ाया गया था और जो कैंडिडेट थे वो भी काफी हैवीवेट कैंडिडेट थे, जो कि हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, यूपी में भी विधायक रह चुके हैं, बड़े कारोबारी हैं, गुज्जर नेता हैं, यहां पर उनको लाया गया था और बहुत जोर शोर से उनको यहां पर चुनाव लड़ाया गया। बड़े रैलियां हुई हैं, बड़े रोड शो हुए यहाँ पर और जो बड़े बड़े भाजपा के स्टार प्रचारक हैं उन्होंने आकर यहाँ पर जो है भाजपा कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद वहां पर पहुंचकर प्रचार किया था। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री आए थे करतार सिंह भड़ाना के प्रचार के लिए, हरिद्वार के सांसद ने उनके लिए प्रचार किया था। तो बीजेपी का जो भी तरीका है पूरे तामझाम के साथ चुनाव लड़ने का, उस तरीके से ही उपचुनाव लड़ा गया था लेकिन अंततः बीजेपी को इसमें जीत नहीं मिल सकी है। इसका एक तीसरा एंगल बसपा के लिहाज से भी है। बसपा के लिहाज से ये जो नतीजे हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा सब जानते हैं कि इस समय बसपा एक समय में जो सत्ता में रहने वाली पार्टी थी वो अपने अस्तित्व से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद बसपा को महज एक सीट मिली थी, लेकिन उस समय उसके लिए राहत की बात थी, कम से कम उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बसपा को 2 सीटें मिली थी हरिद्वार जिले में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मामूली अंतर से भले ही जीते लेकिन परसेप्शन के लिहाज से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत है। शुक्रिया अपडेट के लिए पुलकित।